स्टोरी विद बिनाका, सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए हाजिर है हबीब कैफे की कहानी बानो बी। उनकी दहलीज के बाहर मैं खामोश खड़ा था। अंदर का मंजर मेरी आंखों के सामने था। वे कोई जनाना कपड़ा सी रही थी। फर्श पर बैठी वे कपड़े को दुरुस्त करती हुई रह रहकर मशीन का हैंडल घुमाए जा रही थी। नन्नी इस्मत उनके पास ही बस्ता खोले बैठी कॉपी में कुछ लिख रही थी। कुछ पूछने की गरज से उसने सिर उठाकर उनकी तरफ देखना चाहा, तो मैं उसकी निगाह में आ गया। भाई जान, वो चहेगी, इजाजत हो तो मैं अंदर आऊं। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं बोला, शाहिद। हाथ का काम रोककर वे मुस्कुराई। ये क्या इजाजत विजाजत लगा रखी है, अंदर आ। आदा बर्स फूफू, अंदर दाखिल होते हुए मैंने कहा। आदाब। उठकर उन्होंने मेरे लिए चटाई बिछाते हुए पूछा, कैसा है तू? जी आपकी दुआ है, कहने के बाद मैं बच्चे से मुखातिब हुआ। कहो गुड़िया, क्या हो रहा है? मैं अपना होमवर्क कर रही थी, वो बोली। आप मुझे गुड़िया क्यों कहते हैं? इस्मत नाम है मेरा भाईजान। हम तो गुड़िया ही कहेंगे। पर गुड़िया तो मेरी सहेली है। गुड़िया तुम्हारी सहेली? ताज्जुब से मैंने उसे देखा तो वो उठी और दौड़ती हुई ताक में रखी एक खूबसूरत गुड़िया ले आई। ये देखिए भाईजान, ये है मेरी सहेली, चहक कर उसने खुशी खुशी मुझे बताया। अम्मी ने दिलाई है। मैंने देखा चाबी वाली निहायत ही नफीस गुड़िया मेरे सामने थी। और मुझे वो दिन याद आ गया जब हमारे यहाँ रहते इस्मत एक मामूली सी गुड़िया के लिए मचल बैठने के एवज में बानोबी के हाथों पिट गई थी। इस्मत जरा सुनो तो, किचन से उन्होंने नन्ही को पुकारा तो गुड़िया मेरे पास छोड़कर वो उस तरफ दौड़ गई। कुछ लम्हे बाद किचन से वो निकली तो उसके हाथ में 10 का नोट था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई फौरन ही वो सदर दरवाजे से बाहर हो गई। ये आप कहां मसरूफ हो गई? बुलंद आवाज में बी को मुखातिब करके मैंने कहा। तू बैठ, मैं अभी आई, उन्होंने वहीं से कहा। मैंने अंदाजा किया कि बी चाय नाश्ते की तैयारी में है, खास तौर से मेरे लिए। हमारे यहाँ रहते भी सुबह सुबह वो ये ड्यूटी अंजाम दिया करती थी। उनके हाथ की बनी चाय का जायका खुद ही बोलता था। पतले पतले करारे पराठे बनाने में उन्हें महारत हासिल थी। उनके हर काम में एक सलीका था, नफासत थी। यहां तक कि उठने बैठने और बात करने तक में उनकी एक अलग पहचान थी। इन सबके बावजूद वो सहमी सहमी और संभली संभली रहती थी। अपने भाई के घर पीहर में बी की ये स्थिति थी। और मैं इन तमाम बातों की रोशनी में कभी कभी सोचता क्यों उनके खाविंद मंजूर हुसैन ने उन्हें ना मंजूर कर रखा है। किस आधार पर बी को वे तलाक देने पर तुले हुए हैं? इतनी सारी खूबियां तो हैं उनमें, इसके अलावा एक पति को और क्या चाहिए? हुस्न। तो इस मामले में भी बानो बी मेरे देखते किसी भी युवती से 19 नहीं बल्कि 21 थी। एकदम खुला साफ रंग, दरमियाना कद, भरा भरा गुदगुदा जिस्म, सोने के बारीक तार जैसी घनेरी लंबी जुल्फें, गोल सुडौल सुर्खी माइल किताबी चेहरा, चौड़ी ऊंची उजली पेशानी, गहरी गोल चंचल चमकदार कंचों जैसी आंखें, सुतवा नाक, हल्की हल्की सुर्खी लिए हुए गाल, खिले गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, सोने चांदी की मिली जुली रंगत, और भी बहुत कुछ, फिर भी ना मंजूर। मंजूर हुसैन का चेहरा जहन में उतर आया।
हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाला चेहरा। गुस्से की हालत में भी उन्हें देखकर मैं ताज्जुब में पड़ जाया करता। उन्हें मैं बरसों से जानता था। बी से उनका निकाह तो बहुत बाद में हुआ। उन दोनों की सगाई से पहले भी मैं उनका राजदार था, उनकी कई एक बातों और मुलाकातों का गवाह। उन दिनों में पांचवी जमात में था। स्कूल छोड़ने के बाद समीना फुफू यानी बानो बी सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही थी। उन्हीं दिनों एक शाम में जब स्कूल से लौट रहा था कि रास्ते में गोरे चिट्टे आधुनिक वेशभूषा वाले नौजवान ने मुझे संबोधित किया। शाहिद मियां, हमारा एक काम करोगे? उसने कहा। जी कहिए, मैं बोला। उनकी ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था कि उसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। ये लिफाफा अपनी फूफू समीना को दे देना। लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा तो उसने 5 का एक नोट मेरी तरफ बढ़ा दिया। नोट देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। उनका जवाब लाने पर हम तुम्हें और भी इनाम देंगे। वो नोट मेरी जेब के हवाले करते हुए उसने आगे कहा, पर एक बात का ख्याल रखना, लिफाफा उन्हें तुम अकेले में ही दोगे और इस बात को अपने तक ही रखोगे, समझ गए ना? और घर पहुंचने पर मौका देखकर चुपके से मैंने वो लिफाफा फूफू को दे दिया। मेरी मौजूदगी में ही उन्होंने उसे खोलकर कागज निकाला और उर्दू में लिखी इबारत को एक ही सांस में पढ़ गईं। इबारत पढ़कर उनके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। ये तुझे कहां से मिले? लिफाफा समेटकर कागज को गले के नीचे कमीज में खोंस लेने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा। उनकी आवाज में खुशी थी। स्कूल से लौटते वक्त मैंने बताया। सुन, ये बात घर में तू किसी को नहीं बताएगा, ठीक है? कहकर उन्होंने 1 रुपए का सिक्का मेरी तरफ बढ़ा दिया। जी अच्छा, उनका सिक्का लेने के बाद मैंने कहा, पर उन्होंने जवाब मंगाया है, देखेंगे। और इस तरह उस रोज से मैं उन दोनों का राजदार हो गया। ये तो चुपचाप बैठा क्या सोच रहा है, चाय नहीं पिएगा? बानो बी की आवाज से मैं वर्तमान में लौटा। देखा, ट्रे में वे चाय और तले पापड़ ले आई थी। गुड़िया वापस ताक में रखने के बाद इस्मत अब अपनी किताबें और कॉपियां समेट रही थी। फूफू, कप उठाते हुए मैंने उनकी तरफ देखा, एक बात कहूं मैं आपसे? कह, लेकिन मेरी भी एक बात सुन। उन्होंने अपना कप उठाया और हंस कर कहने लगी, मुझे तो फूफू मत कहा कर, बुढ़ापे की बू आती है इस लफ्ज से। बुढ़ापे की बू? आपके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। और रुककर मैंने चाय का घूंट लिया और थोड़ा वक्त यूं ही निकल जाने दिया। और कुछ पल के इंतजार के बाद उन्होंने सीधे मुझे देखा। कह भी, तू क्या कहना चाहता था? आप ही से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस मुकाम से अब पीछे की तरफ नहीं लौटा जा सकता? ये अचानक क्या हो गया है तुझे? कप रखते हुए उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। तू मुझे ही अक्ल देने चला? आप शायद मुझे गलत समझी। मैं असल में हकीकत की जमीन पर खड़ा आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप दोनों की पिछली जिंदगी मेरे सामने है। कितनी तो मोहब्बत थी आप दोनों के दिलों में एक दूजे के लिए। उन्होंने फौरन कुछ न कहा। खामोश वे ट्रे में रखे पापड़ पर निगाह जमाए कुछ सोचने लगी। उन्हें मैं गौर से देख रहा था। उनका चेहरा अजीब सा हो आया। शायद उन्हें मुझसे ऐसे किसी भी सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हकीकत के एहसास और भविष्य की गहरी चिंता ने उन्हें खामोश रहकर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। मुझे उनसे फौरन ही जवाब की उम्मीद नहीं थी, फिर भी मैं उनकी प्रतिक्रिया का प्रतीक्षित था। मैं इसी की रोशनी में अंदाजा कर सकता था, कोई आखिरी फैसला तो उन्हीं को लेना था।
लेकिन नहीं, उन्हें भी नहीं। फैसला इस्मत के अब्बा मंजूर हुसैन के हाथ में था, पर शायद ये भी सही न था। असल में आखिरी फैसला तो अब कोर्ट को ही करना था। कोर्ट के फैसले की घड़ी अभी शायद बहुत दूर थी। मुंसिफ ने उन्हें सोचने की मोहलत दी थी और ये मोहलत के मियाद के ही दिन थे, लेकिन मियाद की ये मुद्दत लंबी हो चली थी। इस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। बानो भी बच्ची के साथ अपने खाविंद मंजूर हुसैन का घर छोड़कर हमारे यहाँ यानी अपने पीहर आ गई। सब औरतों की तरह उनका भी अपने पीहर अक्सर आना जाना रहता था, लेकिन इस दफा जब वे आई तो अपने साथ एक सहमापन भी लाई, चिर परिचित दरो दीवार से अजनबियत। उनके मन में असुरक्षित भविष्य का खौफ पांव पसारे पड़ा था। माँ बाप के न रहने के कारण इस घर में हीन भावना से ग्रस्त अनजाने में वे एक नौकरानी की हैसियत अख्तियार कर चुकी थी। कई कई अवसरों पर तो उन्हें मैंने खामोश जहर के घूंट पीते भी देखा था। एक तो पति के प्रेम और आर्थिक सुरक्षा से वंचित, और फिर कई कई तरह के सावधानियां और सहमापन। एक औरत इससे ज्यादा और किस तरह दयनीय हो सकती है, मैं ये समझ पाने में असमर्थ था। आप भी लीजिए, मैं बोला। भैया और भाभी कैसे हैं? उनका इशारा मेरे अब्बा और अम्मी की तरफ था। ठीक है, अब्बा शायद कल किसी भी वक्त आपकी तरफ आएं। उन्हें मैंने बताया तो वे आंखों से सवाल लिए मुझे देखने लगी। मैंने आगे कहा, कह रहे थे कि कुछ जरूरी कागजात पर आपके दस्तखत लेने हैं। मेरे दस्तखत? जी, आपके खाविंद से वो बच्ची और आपके गुजारे के वास्ते अदालत के जरिए हर माह एक रकम तय करा देने की बात चलाए हुए थे। मंजूर हुसैन से एक बार अचानक ही मेरी मुलाकात हो गई। ये उन दिनों की बात है जब बात बहुत आगे नहीं बढ़ी थी। मियां बीवी के बीच तेजी से बढ़ती जा रही दूरी और कड़वाहट की वजह जानने की जिज्ञासा थी। उम्र में उनसे मैं बहुत छोटा था, फिर भी अपना पुराना राजदार और अब कॉलेज का छात्र होने के कारण उन्होंने अपना पक्ष मेरे आगे रखा। आपसे क्या छुपा है? कितने तो अरमानों के साथ हमने आपकी फूफू का हाथ थामा था, और अब वही हमसे बेरुखी के साथ पेश आने लगी हैं। आदत के मुताबिक मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे सूचना देने की तरह कहा। पर इसकी कोई वजह तो होगी ही, मैं बोला। कूड़ मगजी के अलावा कोई वजह नहीं। उनका ये ख्याल है कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत भी है। वे उसी तरह मुस्कुराते हुए कह रहे थे, मर्द की जात पर शक करना औरत की फितरत का एक हिस्सा है। थोड़ा बहुत शक करीब करीब हर औरत अपने मियां से करती है, लेकिन किसी सबूत के बगैर आदमी का जीना हराम कर दिया जाए, ये कहां की इंसानियत है। इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूं? आप अपनी फूफू से बहुत कुछ कह सकते हैं, आपको हक भी है। उन्हें समझना चाहिए कि औरत की वजह से ही घर जन्नत कहलाया करता है, और अगर वही औरत घर को जहन्नुम बना डालने पर उतर आए और अपने ही मियां का सुकून छीन ले तो। उत्तेजना रहित स्वर और सहज मुद्रा में वे कह रहे थे, पर हर कोई जानता है कि तीली किसी भी चीज को जलाने से पहले खुद जलती है। हमें इस बात का भी एहसास है कि ऐसी बातें कहने से पहले वो खुद परेशान और बेचैन होती हैं। एक बच्ची की मां बन चुकी है वो। इस सिलसिले में आप उनसे कुछ कहिए, जरूर कुछ करिए प्लीज, वरना। रुककर उन्होंने सिगरेट जलाया और लगभग सहज से मुद्रा में मुझे देखने लगे। वरना क्या, मैं सोचने लगा, बी के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएंगे। हो सकता है फूफू सही हो, ये भी हो सकता है कि दूसरी औरत की बात सिर्फ हवाई हो। मुमकिन है कि
कि मंजूर हुसैन वाकई उनके सलूक से परेशान हो, पर यह तय था कि एक तरह से संपन्न हुए इस प्रेम विवाह में से प्रेम घट गया था और विवाह पर प्रश्न चिन्ह सा लगा नजर आता था। कई तरह से अनुमान लगाता हुआ मैं फिर से वरना शब्द पर आकर ठहर गया। वरना मंजूर हुसैन आखिरी हद तक भी जा सकते हैं, यानी हमेशा हमेशा के लिए अलगाव, तलाक। अपना सोचा ये शब्द तलाक खुद मुझे ही चौंका गया। कितना आसान है थोड़े थोड़े अंतराल से इस तरह एक शब्द को सुना कर कह देना या लिख कर दे देना, लेकिन इसके परिणाम एक भयंकर विस्फोट, एक घर की तबाही का ऐलान, माँ बाप के स्नेह से संतान की महरूमी, अनकिए अपराधों की सजा, पुरुष के लिए जो भी हो पर स्त्री के लिए एक दाग, ताने, अपमान, आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा, अनिश्चित भविष्य, भय, आतंक और भी बहुत कुछ। तो क्या इस वरना का ये और सिर्फ यही मतलब है? शायद नहीं। आगे आप कह रहे थे, मैंने उनकी तरफ देखा। आगे आप खुद समझदार हैं और रुक कर वे मुस्कुराए, आपकी बानो भी। वे जब सामने थे तो कुछ खुलासे की उम्मीद भी थी, लेकिन उनके जाने के बाद मैं इस किस्से को लेकर परेशान हो गया। इत्तफाक की बात कि घर गया तो उस रोज इस्मत के साथ फूफू को वहां पाया। उनके खाविंद से हुई बातों की रोशनी में उन्हें अपने यहां देखकर जहन में पहला ख्याल यही आया कि वे शायद उनसे लड़ झगड़ कर आई हैं। अपने अनुमान की तस्दीक के खातिर बी को मैंने टटोला, आज अचानक ही इधर कैसे फूफू? सहजी मैंने उन्हें संबोधित किया। फिर वही फूफू, मुस्कुराकर उन्होंने मुझे टोका, कितनी बार तो कहा है कि खुदा के लिए तू मुझे फूफू न कहा कर, बानो भी कहती क्या तेरी जुबान घिसती है? अच्छा चलिए यही सही, बानो भी। मैं हंसा, खैरियत तो है? हमारी खैरियत को भला क्या होगा? तू सुना, कैसा है तू? आपकी दुआ है, लाइए इसे आप मुझे दे दीजिए, देखें कि इसे कुछ लिखना पढ़ना भी आया है कि नहीं। इस्मत को उनसे लेते हुए मैंने कहा, तूने तो अब कहीं जाकर कॉलेज में दाखिला लिया है, उन्होंने भी विनोदी लहजे में कहा, और तेरी ये छोटी बहन इस्मत कभी की एमए पीएचडी कर चुकी है। उनके अंदाज से अंदाजा हुआ कि अपने मियां से वे लड़ झगड़ कर नहीं आई हैं, पर उनके पति से हुई बातों की वजह से शक बना हुआ था। इस्मत के अब्बा कैसे हैं? इस दफा मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा, ठीक तो हैं? सहज वे मुस्कुराई, कोई खास बात है क्या? खास बात क्या होगी, बच्ची को गोद में लिए हुए मैं अब भी उन्हें बड़ी सतर्कता से देख रहा था, बस यूं ही पूछा है। समझी, तू अब बड़ा हो चला है ना, इसीलिए सब लोगों की खैरियत पूछने लगा है। स्वस्थ मन और सहज मुद्रा में उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे मुझे विश्वास हो गया कि अपने मियां से वे लड़ झगड़ कर नहीं आई हैं, और उस रात वे बच्चे समेत हमारे यहीं पर रह गई। मुंह अंधेरे ही उठकर मैं किताबों में खो गया था। चाय नाश्ते का वक्त हुआ तो मामला सामने आया। पतले पतले करारे पराठे के साथ मैं अपने कमरे में चाय ले रहा था कि अब्बू की बुलंद आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। सिर्फ भाई होने के नाते मैं तुम्हारी तरफदारी नहीं करूंगा, अब्बा कह रहे थे, और फिर कौन शख्स ये चाहेगा कि उनकी बहन बेटी दुखी होकर जिए? मैं आज ही मंजूर हुसैन से मिलकर मामला जानूंगा। जाहिर हुआ कि मामला गंभीर है और मुझे बीती शाम वाली बानो बी की कामयाब अदाकारी पर सख्त ताज्जुब हुआ। इसके साथ ही मंजूर हुसैन का हंसता मुस्कुराता चेहरा और उनकी बातें याद हो आई, और उसी दिन दोपहर में कॉलेज से लौटने के बाद
उन्हें मैंने एक एकांत में घेर लिया। इस्मत एक तरफ नींद में थी और वे उसके पास खामोश उदास ख्यालों में डूबी हुई सी बैठी थी। आहट पाकर उन्होंने देखा और मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। कॉलेज से लौटा है? वे मुझसे मुखातिब थीं। जी। करीब जाकर मैं उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं कुछ पूछूं आपसे? पूछ। कल आप बता रही थीं कि सब खैरियत है, पर मैं ठहर गया। खैरियत ही तो है। उनके सुर्खीमाइल चेहरे पर उदासी की हल्की सी परत चढ़ गई। ये सब देखकर मैंने जाना कि जो कुछ भी मैं उनके जबानी जानना चाहता हूं, इसका उन्हें एहसास है। कल आपके मियां मिले थे। कुछ पल की खामोशी के बाद मैंने उन्हें बताया तो प्रायः चंचल रहने वाली उनकी आंखें मुझ पर स्थिर हो गई। उनकी आंखों में कई एक सवाल थे। किस वक्त और कहां मिले तुमसे वो? क्या क्या बातें हुई? उनकी तरफ से क्या क्या हिदायतें मिली? क्या कुछ बताया और कहा गया? तुम्हारा रोल क्या रहा? आखिर क्या बात है? दृष्टि चेहरे से हटाए बगैर मैंने पूछा। तो पहेलियां बुझाने की तरह ही बोलेगा या साफ साफ कुछ कहेगा भी? उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। पहेली? मैं कहां कोई पहेली बुझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस बात का भी एहसास था कि उन्हें सब कुछ का ज्ञान है और उस वक्त वे खुद ही मुझे एक पहेली लग रही थी। अब ये कितनी खराब बात है कि तू साफ साफ कुछ कहता नहीं, उन्होंने बड़प्पन जताकर मुझे उकसाया। ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ तू कम हिम्मत होता जा रहा है। स्वर के उतावलेपन से जाहिर था कि मुझसे वे सब कुछ जान लेना चाहती थी। अपने खाविन से हुई मुलाकात की छोटी से छोटी तफसील से वे परिचित हो जाना चाहती थी। मैं अगर आपसे साफ साफ कुछ कहूंगा तो ये छोटे मुंह बड़ी बात होगी। ऐसा कुछ न होगा, तू यकीन जान, उन्होंने उसी अंदाज में मुझे आश्वस्त किया। उन्होंने आपको समझाने के लिए कहा है। मुझे समझाने के लिए? वे हंसी। जी बोल, समझा। वे अब भी हंस रही थी। उन्हें आपसे शिकायत है कि आपने उनका जीना हराम कर रखा है। उनसे कहते हुए मुझे मंजूर हुसैन के लफ्ज, उनका हंसता चेहरा, मुस्कुराती आंखें और सहज मुद्रा याद हो आई। उन्हें शिकायत है कि आप उन पर शक किया करती हैं। आपके ख्याल के मुताबिक उनकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत भी है। और क्या क्या कहा उन्होंने? मुस्कुराती हुई अब वे जिज्ञासु बनी हुई थी। असल बात मैंने आपको बता दी। मैंने अब अपनी दृष्टि उनके चेहरे पर स्थित कर दी थी। क्या ऐसा ही है फूफू? उन्होंने अपनी बात तेरे आगे रखी और अब तू मेरी भी सुनना चाहता है, वे बोली। है ना? जाहिर है, मैंने कहा। मैं अब तुझसे क्या कहूं? वे एक बार फिर गंभीर हुई। एक बात तुझे बताती हूं, गांठ बांध लेना, तेरे भी काम आएगी। जहां जहां भी गहरी मोहब्बतें हुआ करती है, अपनापन होता है, वहां लड़ाइयां भी होती रहती है। रुक कर वे कुछ सोचने लगी। खामोश 5-7 मिनट निकल गए तो मैंने अंदाजा किया कि इस बीच शायद कहीं उनका मर्म आहत हो चला है। इसी के आगे मैंने उनसे कुछ कहना या पूछना उचित न समझा। बानो बी को भरोसा था कि मंजूर हुसैन कोई दिन आकर दोनों को साथ ले जाएंगे, पर बात नहीं बनी बल्कि बिगड़ती चली गई। सुनने में आया कि फूफू की जिद, मगरूरी और शक करने की आदत की वजह से उनके मियां को कई कई बार कई कई तरह से भूखों ही सो जाना पड़ा था।
ये भी सुनने में आया कि उनकी जिंदगी में अब दूसरी औरत दाखिल हो चुकी है। हवा में ये खबर भी गर्दिश कर रही थी कि मंजूर हुसैन ने अपनी तौर पर तलाक देने का आखिरी फैसला ले लिया है। इस बीच कुछ बड़े बूढ़ों ने बात बिठाने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों सूरतों को अपनी जगह अटल देख उन्हें भी खामोश रह जाना पड़ा। और एक रोज स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई। रजिस्टर्ड लिफाफे के जरिए मंजूर हुसैन ने समीना फुफू को लिखित में तलाक दे डाला। अब्बा जब बानो बी के यहां पहुंचे तो मैं पहले ही वहां मौजूद था। ये कुछ कागजात हैं, जहां जहां रोशनाई की लकीरें खींची है वहीं तुम्हें दस्तखत कर देने हैं। आते ही उन्होंने मशीनी अंदाज में कहा, आप बैठिए तो मैं आपके लिए चाय बनाती हूं। इस वक्त मैं जल्दी में हूं, चाय में तुम्हारे यहां फिर कोई दिन आकर पीऊंगा। तुम दस्तखत पर मैं जानू तो सही कि ये कैसे कागजात हैं। वे फर्श को खोड़ने लगी। तो क्या शाहिद ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? त्योरियों में बल डालकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। बताया तो था पर मैं कुछ समझ न सकी, आप ही बता दीजिए। वे अब भी फर्श को लगातार घूरे जा रही थी। मंजूर हुसैन को जो भी करना था सो वो कर चुका, और अब हम रुक कर अब्बा जान ने गुस्सेल स्वर में कहा, अदालत के जरिए मैं उससे तुम दोनों का हक दिलाना चाहता हूं। हक? बी ने सिर उठाकर अब्बा की ओर देखा। तुम समझने की कोशिश करो समीना, अब्बा ने उन्हें समझाना चाहा। तुमसे रिश्ता खत्म हुआ फिर भी तुम्हारा हक बनता है। वकील से मैंने बात की है, तुम्हारी बच्ची इस्मत से तो उसका खून का रिश्ता है। भाईजान, क्या ये मुनासिब रहेगा? बी ने पूछा। सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मुझे एक मिसाल चाहिए, और मैं ये चाहता हूं कि वो मिसाल तुम बनो, ताकि तुम जैसी बेशुमार औरतों की जिंदगी जहन्नुम न बने, अब्बा ने अपनी ही रौ में कहा। आप इत्मीनान से बैठिए तो सही, बात बदलने और टालने के अंदाज में वे बोली। नहीं, मैंने बताया ना कि इसका वक्त नहीं है, अभी मुझे वकील के यहां जाना है और इसके बाद बहुत सारे दूसरे काम हैं। मैं जल्दी में हूं। गुड मॉर्निंग मामूजान। इस्मत स्कूल से लौट आई। वहां दाखिल होते ही अब्बा से उसने कहा, वेरी गुड मॉर्निंग, जीती रहो। अब्बा के चेहरे से तनाव और गुस्सा गायब था, वे मुस्कुरा दिए। ऐसा लगता है सलाम कलाम तू अब सीखेगी। नहीं मामूजान, अम्मी हमें कलमा नमाज भी सिखाती है, पर इनका ये कहना है कि अपने यहां अंग्रेजी बोलने से रौब जमता है। हमें किसी से दबकर या डरकर नहीं रहना चाहिए। बच्ची चहकी तो अब्बा ने उससे निगाह हटाकर अपनी बहन को तीखी निगाहों से देखा। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने एक बार फिर फूफू से कहा। भाईजान, मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए, हम इज्जत के साथ जी तो रहे हैं। उनका दाहिना हाथ सिलाई मशीन पर था और वे इस्मत को देख रही थी। देख रहा हूं कि तुम इस्मत के साथ यहां रह रही हो, और इधर हमारी रातों की नींद अक्सर ही उड़ जाया करती है। जमाने के चलन का कुछ पता भी है तुम्हें? ये तो गनीमत है कि तुम्हारी ये रिहाइश गाह हमारे मकान से ज्यादा दूर नहीं, फिर भी शर्म आती है हमें। बी खामोश थी, कहने के लिए उनके पास शायद कुछ न था। अब्बा उसी तरह कहे जा रहे थे, जानता हूं कि तुम पक्की जिद्दी हो, पर इस पर जरा गहराई से सोचो और हालात को समझने की कोशिश करो। जी जी, क्या दस्तखत कर रही हो ना? क्यों आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? बी के स्वर में बेबसी थी। ठीक है,
तो जो तुम्हारे जी में आए वही करो। नाराजगी जाहिर करते हुए अब्बा तेज कदमों से वहां से चले गए। अब्बा गए तो वहां सन्नाटे का सा आभास हुआ। बानो भी बे आवाज बे हरकत बुत बनी अपनी जगह खड़ी रही। मासूम इस्मत को भी कुछ अप्रिय घट चुकने का आभास मिल गया था, इसीलिए वो चुपचाप और उदास थी। बड़े ही अनमने से उसने अपने काम किए। स्टूल पर चढ़कर खूंटी पर बस्ता टांका, टाई खोलकर ताक में रखी, तस्मे खोलकर पांवों से बूट निकाले, गहरे लाल रंग के मोजे उतारे और बूट में रखे, लोहे के समावार से पीतल की टोंटी खोलकर हाथ पैर धोए। फुफू, आपके जो जी में आए वही कीजिए। निकट जाकर मैंने बानो बी से कहा, आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, पर खुदा के लिए आप किसी बात का रंज न कीजिए। मैं कहां किसी बात का रंज कर रही हूं शाहिद, बोलने के साथ ही उनमें हरकत पैदा हुई। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मैं अपने बड़े भाई की बात न रख सकी। देखिए, हर एक के जीने का अपना तरीका होता है। आप अपने तरीके से जी रही हैं, आपके अपने उसूल हैं, फिर अफसोस किस बात का? फिर भी आपको इस बात का पछतावा है, यानी आप इस्मत के अब्बा से अदालत के जरिए? तू पागल हुआ है, उन्होंने मुझे टोका। मैं पहले ही जानती थी कि कोई दिन मेरे आगे ये बात जरूर आएगी। मैंने ये फैसला आज और अचानक ही नहीं लिया है, उन्होंने स्पष्ट किया। फिर भी आप अपने फैसले पर फिर से गौर तो कर सकती हैं, कम से कम इस्मत की खातिर। इस्मत मेरी बच्ची है, मैं इसकी सरपरस्त हूं, और मेरे रहते इसे किसी की भीख मिले, मेरी गैरत को ये कभी गंवारा ना होगा, उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। हक और भीख में बहुत फर्क है फुफू, होता होगा फर्क, पर मुझे जो गवारा नहीं सो नहीं। बस उजले भूरे रुई के गोलों जैसे बादलों के पार लहू रंग सूरज दिखाई देने जैसा मंजर मेरे सामने था। दवाओं की महक फिजा में फैली थी। एक आशंका से वहां उपस्थित हर कोई परेशान और बेचैन था। नन्ही सी जान और निष्पाप मासूम इस्मत कहीं सबको रुला तो नहीं जाएगी? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं होगा, इसलिए कि ये नहीं होना चाहिए। हमेशा की तरह जब वो स्कूल से घर लौट रही थी, एक तेज रफ्तार स्कूटर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। नतीजे में बेहोशी की हालत में वो अपने गहरे जख्म लिए अस्पताल के बिस्तर पर थी। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, डॉक्टर ने बानो बी को मुखातिब करके कहा। मैं ठीक हूं, आप बच्ची को देखिए, शांत भाव से वे बोली। अब्बा और अम्मी चिंतित मुद्रा में पलंग के उस पार खड़े थे, बानो बी सिरहाने की ओर तथा मैं पायताने खड़ा था। पट्टियों में लिपटी बेहोश इस्मत की छोटी सी कलाई डॉक्टर के हाथ में थी। सतर्क नर्स उसके बराबर ही खड़ी थी। स्टैंड से लटकी बोतल से बूंद बूंद खून पारदर्शी नली से होता हुआ नस में खोबी निडल के जरिए बच्चे के जिस्म में दाखिल हो रहा था। ये बानो बी का ही खून था, अपनी बच्ची के लिए। और बानो बी जीत गई, उनका खून रंग लाया। डॉक्टर की मेहनत कामयाब रही, सभी की दुआएं काम आ गई, संशय और आशंकाओं से सबको मुक्ति मिली। बड़ी देर बाद इस्मत की नब्ज बहाल हुई और वो होश में आ गई। बच्ची बच गई है, ये देखकर बानो बी के किताबी चेहरे पर खुशी की इबारत पढ़ने में आई। उनकी चंचल चमकदार आंखों के कोने भीग गए और गुलाबी लब अनायास मुस्कुरा दिए। उनका पूरा वजूद ही जैसे रहमदिल और मेहरबान कुदरत का शुक्रिया अदा करने लगा, और ये स्वाभाविक ही था। एक माँ के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसकी औलाद उसके देखते मौत के मुंह से निकल आए। फुफू, आप मेरी एक बात मानेंगी? नींद में सोई इस्मत के सिरहाने बैठी
बी से मैंने कहा तो सवालिया निगाहों से उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने आगे कहा, आपके स्वभाव को घर में हर कोई जानता है, लेकिन तकलीफ के इन दिनों में आप मेरा मान तो रख सकती हैं। ये कुछ रुपए हैं, रख लीजिए, काम आएंगे। जेब से निकालकर रुपए मैंने उनकी तरफ बढ़ा दिए। एक नजर रुपयों को देखने के बाद आर पार देखने की तरह उन्होंने कुछ क्षण मुझे घूरा और आंखों और होठों में मुस्कुरा दी। मैं समझती हूं शाहिद, और भाईजान के जज्बात की कद्र भी करती हूं, पर इन्हें तू अपने पास ही रहने दे। जरूरत हुई तो मैं आप ही कह दूंगी। जरूरत? मैं जानता हूं कि आप कभी भी किसी तरह की मदद के लिए किसी से नहीं कहेंगी। ये बात मैं नहीं, आपके भाईजान भी अच्छी तरह से जानते हैं, और आपकी जिद के आगे हर कोई हमेशा ही हार जाता है। हमें आप गैर समझती हैं, आज मैंने ये भी जाना। उत्तेजित और अपेक्षाकृत तेज स्वर में मैं फूट पड़ा। सुन, इस्मत सो रही है और ये अस्पताल का कमरा है, यहां इस तरह बुलंद आवाज में कुछ भी नहीं कहते। उनके स्वर में ठंडापन और स्वाभिमानी मुस्कुराहट ने मेरी उत्तेजना और क्रोध को एक बार में ही काट कर रख दिया। उस अलग एकांत कमरे के दरवाजे पर अचानक खटखट हुई तो देखा मंजूर हुसैन खड़े थे। उन्हें देखकर बानो भी फौरन उठी और दुपट्टा दुरुस्त करके खुली खिड़की की तरफ जा खड़ी हुई। इस तरफ उनकी पीठ थी। बच्ची की ये हालत हुई और किसी ने हमें इत्तला तक नहीं दी। अंदर दाखिल होते हुए अपने खास अंदाज में मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, शाहिद मियां तुम भी? जी, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किसी को किसी का भी होश नहीं रहता। स्टूल उनके लिए छोड़कर मैं वहां से उठ खड़ा हुआ। सभी की तवज्जो इस्मत की तरफ थी। अब इसकी हालत क्या है? स्टूल पर बैठने के बाद उन्होंने पूछा। आप देख ही रहे हैं, खतरे से बाहर है, अपनेपन से मैंने कहा। अजीब स्थिति पैदा हो गई। तलाकशुदा बानो बी और उनका पूर्व पति बच्ची के कारण मेरी मौजूदगी में एक अरसे बाद एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में थे। औपचारिक से दो चार जुमले और बस खामोशी। इस खामोशी में एक जबरदस्त तनाव व्याप्त है, इस बात का मुझे एहसास था। ये तनाव कहीं विस्फोट में न बदल जाए, मुझे इसकी चिंता थी। और ज्यादा देर किसी को इंतजार भी नहीं करना पड़ा। कुछ ही क्षणों में एक भयंकर विस्फोट हुआ। सुनो, बानो बी ने अपेक्षाकृत तेज, स्पष्ट और आक्रोश भरे स्वर में कुछ इस अंदाज में कहा जैसे खिड़की के बाहर किसी को मुखातिब कर रही हो। किसी गैर का यहां इस तरह आना एकदम गैर वाजिब है शाहिद, सुना तुमने? मैंने सुना, मंजूर हुसैन ने भी। मैं उन्हें देख रहा था। अपनी पूर्व पत्नी के कहे की प्रतिक्रिया में वे विचित्र मुद्रा में मुस्कुराए, संभले, मेरी तरफ देखा और एक निगाह सोई हुई मासूम इस्मत को देखने के बाद धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में मुझे संबोधित करके बोले, शाहिद मियां, गैरियत और अजनबियत जिससे है वो हमेशा के लिए हो चली, लेकिन इस्मत हमारी बच्ची है, हम ही इसके वालिद हैं। इसकी वालदियत के खाने में किसी और का नहीं, हमारा और सिर्फ हमारा नाम दर्ज है। बच्ची हमारे लिए या बच्ची के लिए हम कतई गैर नहीं। हम जब भी चाहें, शाहिद कह दो इनसे कि यहां से दफा हो जाएं। शेरनी, हां यही अंदाज था उनका। मुड़कर बेखौफ वो आंखों में रंग लिए मंजूर हुसैन को घूरने लगी। उनकी आंखों से शोले बरस रहे थे। झटके के साथ मुड़ने के कारण सुनहरी जुल्फों के कुछ तार उनके तमतमाए चेहरे पर आ गए। गुस्से से उनके होठ कंपकंपा रहे थे और अपनी जगह खड़ी वो हांफ रही थी। एक अरसे के बाद और शायद आखिरी बार
उन दोनों का सामना हुआ था। कुछ पल इसी तरह निकल गए। इसके बाद एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ मंजूर हुसैन लोहे के स्टूल से उठे। उनसे निगाह हटाकर मेरी ओर देखा, आत्मविश्वास के स्वर में कह गए, ठीक है, अपनी ही बच्ची के लिए अब हमें इस या उस जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। और इस्मत के ठीक होते न होते कचहरी के चक्कर शुरू हो गए। वकीलों के बहस, मुबाहिसे और दलीलें। इस्मत अब दूध पीती बच्ची नहीं रही है। बच्ची पर बाप का हक बनता है, नहीं, बच्ची पर मां का हक है, क्योंकि एक सौतेली मां उसे वो स्नेह और प्यार नहीं दे सकती। ये दलील निहायत ही बचकाना है। सवाल बच्ची के भविष्य का है। बाप पढ़ा लिखा है, डिग्री होल्डर, इसकी आमदनी का एक निश्चित जरिया है, जायदाद वगैरह से भी हैसियतदार है। मां ने कुछ ही जमात पढ़ी है, आर्थिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगा है। जाहिर है कि बाप के पास रहने से बच्ची का भविष्य सुरक्षित रहेगा और उसकी शिक्षा आदि का उचित प्रबंध हो सकेगा, मां के पास नहीं। बच्ची ठीक हुई, चलने फिरने लगी, फिर से स्कूल जाने लगी। इस सब के लिए बानोबी की मुनासिब देखभाल और स्नेह के अतिरिक्त उनकी सिलाई मशीन की तेज रफ्तार और कई तरह के बेल बूटेदार कशीदा कारियां भी काम आई। दिन महीने अपनी रफ्तार के साथ निकले चले जा रहे थे कि अचानक एक रोज अत्यंत ही अप्रिय घट गया। बानोबी के लिए तो एकदम अनपेक्षित, अविश्वसनीय और अकल्पनीय था। वक्त जैसे उनके साथ एक बहुत बड़ा और क्रूरतम मजाक कर गया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि बच्ची की बेहतर परवरिश और माकूल तालीम उसके अब्बा मंजूर हुसैन के पास रहने से ही हो सकती है। इसलिए अब क्या किया जा सकता है? अपील पर कुछ न हो सका। और उस वक्त बानोबी के यहां मेरे अलावा अब्बा और अम्मी भी मौजूद थे। इस्मत को उन्होंने अपने हाथों से तैयार कर रखा था, जैसे स्कूल के लिए वे उन्हें तैयार करती रही थी। उस वक्त वो स्कूल ड्रेस में थी, सफेद साफ शफाफ बुशर्ट, गहरे नीले रंग का शर्ट, गले में स्कूल अक्षर कढ़ी टाई, पांवों में काले चमकते चमड़े के जूते, घुटनों के नीचे तक गहरे लाल नायलॉन के मोजे, शैम्पू से धुले चमकते लाल रिबन से एक चुटिया में बंधे बाल। देखो, तुम अपना ख्याल रखना, बानोबी ने सहज इस्मत से कहा। जी, वो मुस्कुराई। आज तो मामूजान और ममानी और भाईजान भी यहाँ आए हैं। मेरे स्कूल से लौटने तक आज आप बोर नहीं होंगी अम्मी। हमें किसी सूरत में बोरियत नहीं होगी बिट्टो, उनकी आवाज लजरिश थी। अब से तुम कार में स्कूल आया जाया करोगी। सच, उसकी आवाज में खुशी थी, एकदम सच। फूफू का स्वर भीगा हुआ था। कार का हॉर्न बजा तो एक बार की दिल जोर से धड़क कर रह गया। खिड़की से देखा, फासले से खड़ी कार के पिछले हिस्से में मंजूर हुसैन थे और ड्राइवर इधर ही आ रहा था। सुनो, तुम्हारे लिए कार आ गई है। वालुकुम सलाम, टाटा। बानोबी ने सदर दरवाजे की तरफ पीठ कर ली। पढ़ाई में मन लगाना और पूरी तवज्जो देना, और खाने पीने में लापरवाही मत बरतना। अपनी सेहत का भी ख्याल करना। हमारे वास्ते कभी परेशान मत होना। और सुनो, नमाज अभी तुम्हें पूरी तरह से नहीं आती, गलतियां सुधारती जाना। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे दाहिने पैर में अब भी दर्द रहता है, मालिश। दूर इंजन गुर्राया और कार के निकल जाने का आभास मिला
तो एक झटके के साथ बानू भी ने पलट कर देखा, इस्मत जा चुकी थी स्कूल भरोसे, उनसे दूर, बहुत दूर, अदालती फैसले की फसील के पार। उनकी हिदायतें बातें जैसे दीवारों के लिए थी। ये देखकर उनका साफ खुला रंग अचानक ही स्याही माइल हो गया और प्रायः चंचल रहने वाली आंखें स्थिर होकर दूर कहीं कुछ खोजने लगी। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।